हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी सीरीज़ के बारे में जिस सीरीज़ के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी उस सीरीज़ के ऊपर वीडियो लाऊंगा। लेकिन मेरी पिछली वीडियो में एक भाई हैं जिनका नाम है आलोक साहू जी, उन्होंने मुझसे कहा था कि क्या मैं बालचरी सीरीज़ के ऊपर रिव्यू ला सकता हूँ या नहीं। तो सिर्फ ख़ास उनके लिए मैं बालचरी सीरीज़ के ऊपर रिव्यू लेकर आया हूँ। और बात करने से पहले मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये मेरे पर्सनल रिव्यूज़ हैं, और क्योंकि सब जैसे आपको पता है कि सभी का टेस्ट अलग अलग होता है, तो इसमें जो भी बातें होंगी वो मेरे पर्सनल होंगे, मतलब मेरा खुद का ओपिनियन होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम है हंटर्स, सेकंड पार्ट का नाम है फ्लैशबैक, थर्ड पार्ट का नाम है नो मैंस लैंड, फोर्थ पार्ट का नाम है फिनिक्स, फिफ्थ पार्ट का नाम है डेड एंड और लास्ट पार्ट का नाम है एंड गेम। वैसे दोस्तों मतलब इस सीरीज़ के बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटी सी मेमोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो है नो मैंस लैंड के ऊपर। वैसे तो मैंने मतलब ये सारी सी पूरी सारे पार्ट्स उनके ओरिजिनल टाइम में ही खरीदी हैं, सिवाय लास्ट दो पार्ट को छोड़ के, क्योंकि लास्ट दो पार्ट आई थिंक मैंने सॉरी लास्ट सिर्फ लास्ट पार्ट, हाँ लास्ट पार्ट को मैंने 2020 में ख़रीदा था, यानी कि पिछले साल ही। तो नो मैंस लैंड से रिलेटेड मेरी ये याद है कि ये मैंने दिसंबर 2015 में ख़रीदा था, और उस वक्त मेरी दो टाइम्स ट्यूशन हुआ करती थी, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। तो जैसे ही मेरी मॉर्निंग की ट्यूशन ख़त्म हुई तो मैं ये सेट लेने चला गया, और उस दौरान सबसे ख़ास बात ये भी थी कि इस सेट में आखिरी सीरीज़ का जो फोर्थ पार्ट है यानी विश्व रक्षक वो भी रिलीज़ हुआ था। और अगर मैं आखिरी सीरीज़ के बारे में बात करूँ तो पूरी सीरीज़ में जो मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट कवर है वो विश्व रक्षक का कवर है। बस यही छोटी सी मतलब मेमोरी थी इस पार्ट से रिलेटेड और इस सेट से रिलेटेड। तो दोस्तों फाइनली बात करते हैं कि मुझे ये सीरीज़ कैसी लगी। अगर मैं आठवा के हिसाब से बोलूँ तो मुझे सिर्फ फर्स्ट पार्ट का और लास्ट पार्ट का आठवा पसंद आया। जो बीच के पार्ट्स हैं उनके आठवा मुझे इतने खास नहीं लगे, क्योंकि मैं आपको पहले आठवा दिखा देता हूँ। क्योंकि अगर आपने कभी ध्यान से नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे पार्ट्स बढ़ते बढ़ते गए हैं वैसे वैसे आठवा की क्वालिटी गिरती गई है, लेकिन लास्ट पार्ट में मुझे फिर भी इसका आटो काफ़ी अच्छा लगा था। एक फर्स्ट पार्ट का हो गया, एक लास्ट पार्ट का, बाकी बीच के पार्ट्स के आटो मुझे इतने कुछ खास पसंद नहीं आए। और स्टोरी वाइज की बात करूँ तो मैं, क्योंकि इसमें आपको पता ही है कि जैसे खूनी खानदान सीरीज़ में ध्रुव के पिता के बारे में बताया था कि वो उनका ओरिजिन क्या है, कि वो आपको पता ही है। और इस सीरीज़ में ध्रुव की मदर के ऊपर स्टोरी रची गई है। और पर्सनली अगर बात करूँ तो मेरी, तो मुझे ये सीरीज़ कुछ खास पसंद नहीं आई, हालांकि ठीक ठाक है सीरीज़, पर इतनी मुझे अच्छी नहीं लगी कि मैं इसको अपनी फेवरेट लिस्ट में शामिल कर सकूँ। लेकिन अगर आपको ध्रुव के ओरिजिन के बारे में जानना है तब तो ये सीरीज़ आपको डेफिनेटली ख़रीदनी चाहिए, और अगर आप एक ध्रुव फैन हैं तब तो आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी ही आएगी, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आई है। और इसका कलेक्टर एडिशन पहले भी आया था, और हाल ही में चाहे वो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता हो या मनोज गुप्ता हो, दोनों ने ही इस सीरीज से रिलेटेड पेपरबैक रिप्रिंट किए हैं, और दोनों ही इसका कलेक्टिव एडिशन लाने वाले हैं। हालांकि जहाँ तक मुझे पता है कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता ने इसका कलेक्टिव एडिशन लॉन्च कर दिया है, जबकि आरसी बाय मनोज गुप्ता ने सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट के कलेक्टिव एडिशन लाए हैं, और मे बी वो कंबाइंड सीरीज का कलेक्टिव एडिशन लाएंगे। तो
बाकी ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या इसके मतलब कंबाइंड कलेक्टिव एडिशन आएगा या नहीं आएगा। तो हाँ, बीच में एक ये फैशन चला था कि मतलब जैसे इस सेट में जो दो कॉमिक्स आई थी, फिनिक्स और डोगास, तो उसके कवर्स नीचे शेयर किए गए थे। और जैसे नेक्स्ट सेट में दो कॉमिक्स आने वाली थी, सर्व आगमन और राजनगर रणक्षेत्र, उनके भी कवर्स यहाँ शेयर किए गए हैं। मतलब ये स्टाइल मेरे को बड़ा पसंद आया था, पर बाद में इस मतलब पर कहते हैं इस स्टाइल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और डेड एंड, बस जैसे मैंने बताया कि मुझे सिर्फ फर्स्ट और लास्ट पार्ट का आर्ट वर्क पसंद आया, बाकी बीच का पार्ट मतलब जितने भी जो बीच के चार पार्ट्स हैं उनका आर्ट वर्क मुझे खास पसंद नहीं आया। क्योंकि अगर आप खुद ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे जैसे पार्ट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको थोड़ा सा आर्ट वर्क में क्वालिटी गिरती नज़र आएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि लास्ट पार्ट में अच्छा आर्ट वर्क देखने को मिला, मतलब ऐसा मेरा मानना है। और सबसे खास बात ये भी थी इस पार्ट से रिलेटेड कि ये बाकी पार्ट्स के मुकाबले में आई थिंक इसमें 160 पेजेस की कॉमिक थी, मतलब काफ़ी मोटी किताब है ये। और लास्ट पार्ट की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब सब कुछ कितना मतलब कलरफुल, बहुत कलरिंग कलर्स यूज़ किए गए हैं, बहुत इफेक्ट्स डाले गए हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है देखने में लास्ट पार्ट। मतलब आपको कुछ निराशा नहीं होगी। बाकी जैसे मैंने कहा कि मुझे ये कुछ इतनी खास पसंद नहीं है, हाँ मतलब सीरीज़ अच्छी है लेकिन इतनी मतलब मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी कि मैं इसको अपनी फेवरेट लिस्ट में शामिल कर सकूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया। पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सीरीज़ बहुत पसंद आई है और उनकी फेवरेट लिस्ट में आती भी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो ऐसा नहीं कि ये सीरीज़ बिल्कुल बेकार है, अच्छी सीरीज़ है। और इस मतलब क्या बोलते हैं कि अगर आप एक ध्रुव फैन हो और अगर आप ध्रुव से रिलेटेड एक मतलब ध्रुव का बैकग्राउंड क्या था, ध्रुव का ओरिजिन क्या था पूरा जानना चाहते हो, तब तो आपको डेफिनेटली ये सीरीज़ खरीदनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अभी आपको पता है कि रीप्रिंट्स काफ़ी महंगे हो गए हैं, अगर आप इस सीरीज़ को ख़रीदते भी हो तो भी मतलब आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। मतलब काफ़ी अच्छी सीरीज़ है पर मेरे फेवरेट लिस्ट में नहीं आती, बस वही है कि क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ध्रुव की लेटेस्ट सीरीज़ के हिसाब से मेरी फेवरेट लिस्ट में जो आती है वो है सिटी विदाउट ए हीरो सीरीज़, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में बात की थी। और फिर से मैं रिपीट कर दूं कि इस साल जितनी भी नई कॉमिक्स आई हैं, चाहे वो नागराज की हो, चाहे ध्रुव की हो, चाहे डोगा की हो, चाहे वांकिलर की हो, मैंने कोई भी न्यू कॉमिक नहीं ली। क्योंकि न्यू जैसे मैंने बताया कि न्यू कॉमिक्स के प्राइस वैसे ही बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं, तो इसलिए मैं न्यू कॉमिक्स को भी फ़िलहाल ले नहीं रहा। तो फिर से कहूँगा कि लेटेस्ट के हिसाब से मेरी फेवरेट लिस्ट में सिटी विदाउट ही हीरो सीरीज ही रहेगी। तो आपको मैं एक बार जाने से पहले एक बार आपको इसके कवर्स भी दिखा देता हूँ, फुल कवर। ये है फर्स्ट पार्ट का कवर, ये है सेकंड पार्ट का कवर। और हाँ, इस पार्ट से क्या हुआ था कि जब इसका कलेक्टेड एडिशन आया था तो गेट फोल्डेड कवर्स भी दिए जाने लगे थे। इस पार्ट के साथ भी गेट फोल्डेड कवर आया था कलेक्टेड एडिशन के साथ में। ये है थर्ड पार्ट का कवर, इस के कलेक्टेड एडिशन के साथ में भी एक गेट फोल्डेड कवर आया था फिनिक्स आई थिंक। हाँ, बस सिर्फ दो ही ऐसे पार्ट थे जिनके कलेक्टेड एडिशन के साथ में गेट फोल्डेड कवर दिए गए थे, बाकी सब में वही सिंपल कलेक्टेड एडिशन कवर जैसे इसमें होता है ये फोर्थ पार्ट का कवर। फिफ्थ पार्ट,
ये लास्ट पार्ट। अगर मैं कवर वाइज बात करूँ तो कवर सभी पार्ट के बहुत बढ़िया हैं और स्टोरी अच्छी है। मतलब आपको एक अच्छा सा मतलब अगर आप पढ़ोगे तो आपका एक बढ़िया टाइम पास होगा। और ये भी पक्की बात है कि अगर आप एक बार इस सीरीज़ को पढ़ने बैठोगे तो पूरा सीरीज़ पढ़ के ही उठोगे, क्योंकि मैंने बताया कि सभी का अपना टेस्ट होता है, सभी के थिंक्स थॉट्स अलग अलग होते हैं। तो अगर आप एक ध्रुव फैन हो, अगर आप सोच रहे हो इस सीरीज़ को ख़रीदने के बारे में, चाहे आप ध्रुव फैन हो या नहीं हो, अगर आप फिर भी सोच रहे हो इस सीरीज़ को ख़रीदने के बारे में, तो डेफिनेटली आपको ये सीरीज़ ख़रीदनी चाहिए। पूरा पैसा वसूल सीरीज़ है और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो आई थिंक, क्योंकि मेरी कोशिश यही थी कि मैं इस सीरीज़ से रिलेटेड कोई भी स्पॉइलर ना दूँ, क्योंकि अगर स्पॉइलर दे दिया तो आपको पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इतना ही मेरे विचार थे इस सीरीज़ को लेके। आई होप आलोक साहू जी, इससे आपको कुछ मतलब मेरी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से आपको कुछ हेल्प मिली हो। तो ठीक है दोस्तों, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो एंड टिल देन बाय, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो तक बाय।